आज उन किसी भी व्यापारियों से आप कोई सामान नहीं खरीदेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बंद किया जा रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी अगर आज आपने बंद नहीं किया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। आज अगर आपने बंद सफल बनाया, उन्होंने एक दिन के बंद से सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पलटवा दिया था, आज आपका बंद सब कुछ दिशा निर्देश तय करेगा आपकी आने वाली पीढ़ियां कैसे रहेंगी। एक बार ऐसी आपने बंद किया, छह छह महीने आप दुकान नहीं। ये सब आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं और सिर्फ हम आपसे सिर्फ एक बात का जवाब चाहते हैं। आज अदर कास्ट कोई भी कास्ट आती है और व्यापार दुकानें बंद कराती है, कितने कितनी जबरदस्ती होती है, कितनी कितनी लड़ाइयाँ होती है, कितने कितने झगड़े होते हैं। आज हम लोग आप लोगों के बीच में है, आपके छोटे भाई आपके अपने बनकर आप लोगों के बीच में है। आज हम बात सब लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम एक ये शक्ति दिखाएं। सरकार ने SC ST कानून जो पारित किया है, सुप्रीम कोर्ट का जो इन्होंने अपमान किया है, इसके विरोध में सर्व समाज ने भारत में भारत बंद का एक आह्वान किया था, जिसके अनुरूप ये कार्य किया जा रहा है और बाजार वालों से भी निवेदन किया जा रहा है कि आप लोगों भी हमें सहयोग करें और इन लोगों का हमें भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। यदि सरकार आपकी माने नहीं मांगती तो आप क्या करेंगे आगे? आगे फिर उग्र आंदोलन होगा। अगर सरकार ये हमारी मांग नहीं मानती तो हम लोग 80% है और लोग लगभग 22% है, तो हम लोग निश्चित सड़कों पे आएंगे और आंदोलन करेंगे। बदलाव का जो अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून पास हुआ था और भारत सरकार ने उसे फिर से लागू करने का जो कुकृत्य किया है, उसके विरोध में आज सवर्ण समाज एकजुट होकर के सड़कों पर